एलएसी पर अब किस इलाके में पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं? चीन को भारत ने कहां पर चटाई है धूल और पाकिस्तान के 140 घुसपैठियों को क्यों भागना पड़ा उल्टे पांव? दुश्मन देशों की कारगुजारियों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए टॉप 9 चीन पाक एक्सपोज में। 12वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत के बाद एलएसी पर गोगरा इलाके से भारत चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। 4-5 अगस्त के दरमियान दोनों सेनाओं ने पीछे हटने की औपचारिकताएं पूरी की। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी थी। भारत ने क्वाड देशों की मदद से रीकाप के अहम चुनाव में चीन को धूल चटा दी। इस चुनाव में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर नटराजन को रीकाप का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। भारत को 21 में से 14 वोट मिले, वहीं चीन को सिर्फ 4। चीनी आर्मी ने अशांत शिनजियांग क्षेत्र में नए कमांडर जनरल वांग हाईजियांग की नियुक्ति की है। इससे पहले जनरल वांग तिब्बत के प्रभारी थे। जनरल वांग को चीनी आर्मी ने शिनजियांग में उइगर विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी दी है। शिनजियांग के साथ पश्चिमी सीमा की जिम्मेदारी भी चीनी आर्मी ने जनरल वांग को दी है। काराकोरम पहाड़ों पर भी सीमा विवाद को लेकर चीन और इंडियन आर्मी आमने सामने हैं। गलवान हिंसा के बाद से ही काराकोरम पॉइंट पर तनाव बरकरार है। अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन को ही कोरोना की देन और मानव इतिहास में सबसे बड़ा कवर अप करने का आरोप लगाया है, जिससे बौखलाए चीन ने कहा है कि रिपोर्ट द्वेषपूर्ण और निराधार है। ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने नवाज शरीफ के वीजा की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दोषी नवाज ब्रिटेन में इलाज के बहाने रह रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के आरोपी रहीम यार खान को समर्थकों सहित गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की गिरफ्तारी के साथ मंदिर की मरम्मत कर हिंदुओं को सौंपे जाने का भी आदेश दिया है। गोलीबारी की आड़ में एलओसी पर 140 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लॉन्चिंग पैड पर अब भी आतंकी जमे हैं। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का झांसा दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक और बड़ा सबूत पकड़ा है। पाकिस्तान के 2 वायरलेस सेट, कुछ बैटरीज और टॉर्च जब्त किए गए हैं। पुलिस को ये कामयाबी बालनोई इलाके में भेड़ फर्म के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।